नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, RPF कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है, ठीक है। तो फ्रेंड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको देखनी कैसे है वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको उस पर जाना है, ठीक है। उस पर क्या करना है आपको, उसके बाद गेटिंग द लिंक कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट लिंक पे जाना है, उसके बाद RPF कांस्टेबल आंसर की चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर को चूज करना है, और नीचे कैप्चर कोड दिया होगा उसको नीचे फिलअप कर देना है, ठीक है। तो उसको भर के आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या रही अहम बातें, कट ऑफ कितना जा सकता है, इस पर हम सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखते रहें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इस पर करोगे, ठीक है, जैसे कि आपका ग्रुप ए है तो ग्रुप ए का आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, और जैसे आपकी ग्रुप बी है तो ग्रुप बी वाले इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ग्रुप वाइज देखना है अपना, और जो फ्रेंड्स अवेलेबल है तो ग्रुप ई और ग्रुप सी प्लस डी की जो आपकी आंसर की है वो अभी अवेलेबल नहीं की गई, ठीक है। ग्रुप ई और सी प्लस डी फेज फाइव और फेज फर्स्ट की आंसर की अभी नहीं आई है, ठीक है। आंसर की आई है आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप एफ की आपकी आंसर की आ चुकी है, ठीक है। तो नीचे फ्रेंड्स जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स चेक कांस्टेबल आंसर की सीट, ठीक है, ग्रुप ई की। तो जैसे मैं यहाँ पे गया तो फ्रेंड्स आपके सामने एक फेस ओपन होगा, जैसे ही वो खुलेगा तो फ्रेंड्स इस की पे जाके आप अपने आंसर की देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको अपने मार्क्स पता चल सकेंगे कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हम कट ऑफ पे, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो RPF का जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको बता दूँ कि जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक के आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो टोटल आपका पेपर आता है वो 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ रह सकती है वो फ्रेंड्स मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। RPF की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी वो आपकी इस बार 35% रहती है अनरिजर्व्ड, ठीक है। अनरिजर्व्ड में आप समझ सकते हैं जनरल आता है, OBC के आते हैं कुछ कैंडिडेट, और शेड्यूल कास्ट यानी कि SC और शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST की जो कट ऑफ रहेगी वो 30%, ठीक है। क्वालिफाइंग कट ऑफ ये है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी जो 2015 में पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसमें जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल कट ऑफ थी फ्रेंड्स आपकी उसमें 68, ठीक है, 68। यानी कि अगर आप जनरल अवेयरनेस में 50 में से 23 प्राप्त कर रहे थे तो आप पास थे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन थे 35 में से तो आप पास थे, ठीक है। और अर्थमेटिक में 35 में से 20 क्वेश्चन आपके सही थे तो आप पास थे। यानी कि कुल मिला के जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 68, यानी कि 68 गई थी, 120 मार्क क्वेश्चन में से 68 पे गई थी। तो फ्रेंड्स इस बार का मैं आपको बता दूं जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो इस बार की आपकी, ठीक है, जो आपकी 60 से 65 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली जनरल की, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है फ्रेंड्स OBC की, OBC की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 50 से 60 के बीच में रहेगी, ठीक है। 50 से 60 के बीच में आपकी OBC जनरल OBC की तो फ्रेंड्स वही रहेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। लेकिन जो आपकी SC और ST की बात की जाती है यहाँ पे, तो जो आपकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 50 से 62 के बीच में रहेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही है वो 68 रही है, ठीक है, और तब कैंडिडेट वैकेंसी कम थी फ्रेंड्स, और इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कट ऑफ, ठीक है, लगेगी, तो इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली। क्योंकि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये 68, ये आपकी 2015 में जो RPF का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ है, ठीक है। तो जो कांस्टेबल की ओर बता रहा हूँ कट ऑफ फ्रेंड्स वो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप इतने मार्क्स पा रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके द्वारा मिस ना किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।